गुड इवनिंग बेटा प्रियंका। अरे गुड इवनिंग रुचिका बेटा। अरे गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। हाय हेलो बेटा। गुड इवनिंग बेटा। तो वेलकम बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन ऑन एनिमल किंगडम। ये बेटा आज का हमारा सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर है इसका, है ना। इसको हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है बच्चों। सर डेली क्लास लिया करें बेटा। डेली तो क्लास हो रही है, लेकिन क्लास फिजिक्स की भी होती है, केमिस्ट्री की भी होती है, बॉटनी की भी होती है ना। तो डेली लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ये है कि हम अपना जो सिलेबस है उसको ठीक से खत्म कर देंगे बिफोर द एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था, और स्टार्टिंग के तीन फाइला, फाइला पोरिफेरा, फाइला निडेरिया एंड फाइला टीनोफोरा देख लिया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। ठीक है, प्लेटीहेलमिंथिस। ठीक है, देखो नाम क्या है इसका। प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी मतलब क्या होता है? प्लेटी मतलब होता है फ्लैट। प्लेटी मतलब क्या है हमारा? फ्लैट। हेलमिंथिस, हेलमिंथिस, हेलमिंथिस मतलब होता है वॉर्म्स, वॉर्म्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटी हेलमिंथिस? प्लेटी हेलमिंथिस मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। कैसे फ्लैट? लाइक अ पीस ऑफ पेपर। दे आर फ्लैट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। मतलब अगर ये इसका अपर साइड है, मतलब डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। सो जो डॉर्सल वेंट्रल है वो क्या आपस में मिले होते हैं एकदम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। जैसे आपके पत्ते होते हैं ना पेड़ों के, उनको हम क्या बोलते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। मतलब डॉर्सल और वेंट्रल में क्या होता है? डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, दोनों आपस में चिपके होते हैं। जैसे कि हम है, हमारे अंदर ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, तो हमारे अंदर क्या डिस्टेंस है, एक विड्थ है। इनमें क्या होता है? विट नहीं होता। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस क्या होती है? आपस में चिपकी होती हैं, है ना। सो दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो सबसे पहले तो यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, है ना। देन दे आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स। व्हाट आर एंडोपेरासाइट्स? कि ये किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स कैन बी एंडोपैरासाइट्स और पैरासाइट कैन बी एक्सोपैरासाइट्स। सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स। कहाँ का रहते हैं? काफी एनिमल्स में होते हैं, इंसानों के अंदर भी होते हैं, है ना। नाउ दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, है ना। ये तो हमने याद किया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो हमारा फॉर्मूला क्या था? ओ बी ए पी, मतलब ओ बाप रे बाप, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, ओ बाप रे बाप, तो वहां से आया हमारा ओ बाप। ओ से क्या था हमारा? ओ से था हमारा ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, ओनली ऑर्गन, नॉट ऑर्गन सिस्टम, ओनली ऑर्गन। ठीक है। बी से था हमारा बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ए से क्या था बच्चा हमारा? ए सिलोमेट। बेटा पी से क्या है हमारा? प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। सो इसमें क्या होता है? दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड दे आर एसिलोमेट्स, है ना। तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, दे आर बायलेटरल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर एसिलोमेट्स, है ना। जिसमें क्या होता है? ऑर्गन लेवल का, है ना। इसमें क्या होता है? ऑर्गन, नॉट ऑर्गन सिस्टम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें क्या होंगे? ऑर्गन सिस्टम होंगे। मतलब एक सिस्टम में एक से ज्यादा ऑर्गन होंगे। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होते हैं? हुक्स होते हैं और सकर्स होते हैं। हुक्स किस लिए होते हैं? ताकि ये एनिमल की बॉडी के साथ अटैच रहे। हुक्स जैसे हमारे दांत होते हैं ना, ऐसे इनमें हुक्स होते हैं, ताकि एनिमल की बॉडी के साथ ये अटैच रहे, उनको बोलते हैं हुक्स। और जिनके थ्रू ये न्यूट्रिशन को सक करते हैं,
उनको हम बोलते हैं सकर्स, है ना, इसको भी पढ़ेंगे हम हुक्स एंड सकर्स को, है ना। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर इसमें से, वो है हमारा एक्सक्रीटरी सेल्स, जो हमारे क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, है ना। और क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। सो फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स आर सीन इन केस ऑफ प्लेटी हेलमिंथिस, है ना, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है। सो दे आर हैव फ्लेम सेल्स, दे हैव फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल का फंक्शन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स। तो फंक्शन क्या होता है, पहला ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और दूसरा फंक्शन क्या होता है फ्लेम सेल्स का, एक्सक्रीशन, मतलब जो भी बॉडी के अंदर वेस्ट होगा उसको बॉडी के बाहर निकालना। सो दो फंक्शन होते हैं बेटा हमारे फ्लेम सेल्स के। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एक ही के अंदर है, और उसको और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर हर मा प्रोडाइट्स, प्रोडाइट्स, ठीक है, हर्मा प्रोडाइट्स, ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब मेल्स क्या कर रहे हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, तो जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल के अंदर होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट में क्या आते हैं, बहुत सारे लार्वा स्टेज आते हैं, जैसे एग्जांपल होता है हमारा टीनिया, टीनिया में हमारे हेक्साकेंथ लार्वा भी आता है, हमारा सिस्टी सर्कस लार्वा भी आता है, ओनकोस्फियर लार्वा भी आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लार्वा स्टेज होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, पी एल ए एन ए आर आई, प्लेनेरिया में खास बात क्या है, इट्स अ फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग फॉर्म, मतलब ये पैरासाइट नहीं होता, प्लेनेरिया पैरासाइट नहीं होता, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, इसमें इस फाइलम में मैक्सिमम क्या होते हैं हमारे, पैरासाइट्स होते हैं, पर जो प्लेनेरिया होता है बच्चों, वो हमारा पैरासाइट नहीं होता, वो क्या होता है, फ्री लिविंग फॉर्म होता है। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात क्या बेटा प्लेनेरिया में, कि इट हैज रीजनरेशन कैपेसिटी, इसकी क्या होती है, रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब ये हमारा प्लेनेरिया है, सपोज करो कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा होता है प्लेनेरिया, ठीक। अगर हम इसकी बॉडी को कट कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर एक पार्ट से क्या होगा, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, हमारे टीनिया जिसको हम बोलते हैं टेप वर्म, और हमारा फेस्टुला हेपेटिका जिसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक, ठीक है। जो टीनिया होता है वो दो तरह का होता है बच्चों, टीनिया कैन बी टीनिया सेजिनाटा, ठीक है, और दूसरा होता है टीनिया सोलियम। जो टीनिया सोलियम होता है वो होता है पॉक खाने से, पॉक क्या होता है, पिग का मीट, है ना, पिग का मीट, पॉर्क खाने से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉर्क टेप वर्म, पॉर्क टेप वर्म। और जो टीनिया सेजिनाटा होता है वो होता है काओ का मीट खाने से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बीफ, बीफ टेप वर्म, बीफ टेप वर्म, ठीक।
और दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा, फेशियोला हिपेटिका, ये किसके अंदर होता है, ये होता है शिप के अंदर एंड गोट्स के अंदर, ये इंसानों में नहीं होता। ठीक है, तो जो टीनिया होता है वो इंसानों में होता है, दो तरह का होता है, इट कैन बी टीनिया सोलियम और टीनिया सेजीनाटा। ठीक है, टीनिया सेजीनाटा। रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअली होगा, है ना। अब हायर फॉर्म्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, बट इट शो रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, इट शोज रीजनरेशन कैपेसिटी। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आज हमें काफी कुछ कवर करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे, ये हमारा प्लेटिहल मेंथियस है, ये हमारा टीनिया है, और ये हमारा क्या है, दिस इज फेशियोला हिपेटिका, और क्या बोलते हैं उसको, लिवर फ्लूक, है ना। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे टीनिया का। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका हेड। ठीक है, हेड में क्या होते हैं, हेड में इसके हुक्स होते हैं। ठीक है, ऐसा ये होगा। ठीक है, तो इसके यहां पे ऐसे हुक्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं हुक्स, जिनके थ्रू ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ये मान लो ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, तो हुक्स के साथ ये हमारे इंटेस्टाइन पे अटैच होता है, हुक्स के साथ। ठीक है, और जिससे ये न्यूट्रिशन को सक करता है उनको क्या बोलते हैं, सकर्स। तो ये हमारे क्या होते हैं, सकर्स, यहाँ पे ऐसे एक दो तीन और चार, इट हैव फोर सकर्स। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम पूरे को बोलते हैं स्कॉलेक्स। ठीक है, पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स मतलब सकर्स प्लस में हेड प्लस में अपने हुक्स, और हुक्स किससे बने होते हैं, काइटिन के। काइटिन क्या होता है अपना, होमो पॉलीसेकेराइड्स। ठीक, काइटिन क्या होता है हमारा, होमो पॉलीसेकेराइड। तो पहला पार्ट क्या हो गया इसका, स्कॉलेक्स। दूसरा पार्ट क्या होता है, नेक। और तीसरा पार्ट क्या होता है, ये पूरी बॉडी, है ना। पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फॉल्स सेगमेंट्स। ये सारे क्या है हमारे, फॉल्स सेगमेंट्स। फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉडी के बाहर सेगमेंट होता है, बॉडी के अंदर से कोई सेगमेंट नहीं होता, सो दे आर कॉन्टिन्यूअस, है ना। सो इनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, प्रोग्लोटिड्स। तो ये इसकी बॉडी होती है। ठीक, और देखते हैं डायग्राम इसका। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, यहाँ पे देखो दिखाया है सारा, ये इसके हुक्स हैं। ठीक है, ये इसके स्कॉलेक्स। ठीक है, ये इसके हुक्स हैं, ये इसके सकर्स हैं। ठीक है, और ये इसका हेड है, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्कॉलेक्स। ठीक है, ये इसका नेक्स है, और ये इसके पूरी बॉडी के अंदर होते हैं ग्लोटिड्स। अब इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स होते हैं, देखो यहाँ पे टेस्टिस भी हैं, मतलब मेल ऑर्गन भी हैं, और यहाँ पे ओवरी भी हैं, ये ओवरीज हैं, और ये क्या है हमारे, टेस्टिस हैं। तो इसके अंदर दोनों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मा मतलब दोनों सेक्स होंगे, मेल ऑर्गन भी होंगे और फीमेल ऑर्गन भी होंगे। ठीक है बेटा, पिनवर्म अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, जो अपने कोर्स में यार पहले वो पढ़ लेते हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे वर्म्स हैं, है ना, सबको छोड़ दो, जो अपने कोर्स में है अपने को वो ही याद रखने हैं। ठीक है, अपने को वो ही याद रखने हैं, 1 अगस्त को अपना पेपर है, तो अपने को जो पहले कोर्स का है वो सब याद रखना है। ठीक है सर, रीजनरेशन से सिर्फ बॉडी पार्ट या सारा, बेटा पूरा बन जाएगा ना, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट पार्ट्स में काट दो और हर एक पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। सारा ऑर्गेनिज्म, हाँ सारा बन जाता है। ठीक है ना, सारा ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये कब आया है, 2010 में आया है। ठीक है, बताओ कौन सा एनिमल होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें से। बाकी लोग फटाफट रिप्लाई किया करो बच्चों, तुम बहुत टाइम लगाते हो। ठीक है, क्या आंसर होगा, ऑब्वियसली है ना, प्लेटीहेलमिंथिस। और इसमें क्या आते हैं हमारे, फ्लैट वर्म्स। ये क्या है, ये हमारे श्रू वाले ना, दीज आर ऑल डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है ना। तो स्टार्टिंग के जो तीन फाइला थे हमारे, पोरीफेरा, टीनोफोरा, निडेरियाज, वो सारे क्या होते हैं हमारे, डिप्लोब्लास्टिक।
प्लेटीहेलमिंथस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके बाद जितने भी आएंगे वो हमारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी गुड, चलो अच्छा ये फोटो तुम्हें दिखाना था बच्चों मुझे, ठीक है, ये मैं हूं और ये हमारा कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है ना, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पे आप जाओगे अगर एंटर करोगे तो वहां पे ऐसा लगा रखा है उन्होंने, आई लव मैमसी, मैमसी मतलब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। पीछे इसका ऑडिटोरियम है जहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं कॉलेज के वो होते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा कैंपस है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का, काफी कभी टाइम मिले तो घूम के आना वहां जाके, है ना, और अगर वहां पे एडमिशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पर उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा मेहनत से, तभी इतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा फटाफट से हम सेकंड फाइला पे। सेकंड फाइला बेटा हमारा, तो कलर का बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें दिखता नहीं, इसमें दिखता है। चलो सेकंड बेटा फाइला हमारा एस्कल हेलमिंथिस। अगेन एस्कल क्या होता है, इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है राउंड, ठीक, राउंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलमिंथिस, वर्म्स। तो यहां पे हमारे क्या आएंगे, राउंड वर्म्स, राउंड राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स, है ना। तो अगर हम इन वर्म्स को, अगर हम इन वर्म्स को, ये हमारे वर्म्स होते हैं ऐसे, इनको अगर हम ऐसे काटें, है ना, ऐसे काटें तो दे विल अपेयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, दे विल अपेयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन। जैसे ये पेन है, पेन को अगर मैं काटूं तो इट विल अपेयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, राउंड वर्म्स। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, राउंड वर्म्स, बिकॉज दे अपेयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दे अपेयर राउंड इन क्रॉस सेक्शन, तभी क्या बोलते हैं इनको हम, राउंड वर्म्स, ठीक है, तभी क्या बोलते हैं इनको हम, राउंड वर्म्स। अब राउंड वर्म्स काफी डाइवर्स होते हैं, दे कैन बी पैरासाइट, दे कैन बी, दे इन्फेक्ट प्लांट्स, दे आर पैरासाइट ऑन ह्यूमन बींग्स, काफी डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि हमें एस्केरिस कॉज करते हैं, ठीक है ना। सो दे कैन बी फ्री लिविंग, मतलब पैरासाइट नहीं है, ऐसी नेचर में फ्री लिविंग है। दे कैन बी एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर है। दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, मतलब जमीन के ऊपर है। और दे कैन बी पैरासाइट्स, है ना, जैसे हमारा एग्जाम्पल होता है एस्केरिस का, ठीक है। एस्केरिस क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं जायंट इंटेस्टाइनल वर्म, जायंट इंटेस्टाइनल वर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटीहेलमिंथिस में खाली क्या आता, ऑर्गन। अब क्या आ जाएगा हमारा, ऑर्गन सिस्टम। तो एनसीईआरटी में ना लाइन में घुमाते हैं, है ना, तो किस में ऑर्गन होता है और किस में ऑर्गन सिस्टम होता है। प्लेटीहेलमिंथिस में खाली ऑर्गन होता है, उसके बाद अब जितने भी आएंगे एस्कल हेलमिंथिस अपना, एनेलिड्स, सब में क्या होगा अपना, ऑर्गन सिस्टम। तो आपको बेटा ये बात याद रखनी है, फिर बाकी बातें वही होंगी, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर सूडोसिलोमेट। ओनली फाइलम जो सूडोसिलोमेट होता है पूरे किंगडम में वो हमारा क्या है, एस्कल हेलमिंथिस। कोई और फाइलम में सूडोसिलोमेशन नहीं दिखाई देता। तो बेटा एक ही फाइलम है जिसमें सूडोसिलोमेट होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ नीट। तो अपने को याद रखना है कि जो हमारे राउंड वर्म्स होते हैं जिनको हम निमेटोड्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, निमेटोड्स, और क्या बोलते हैं बच्चों इनको, निमेटोड्स, ठीक है। दीज आर सूडोसिलोमेट्स, उसमें सूडोसिलोम होगी मतलब जो सिलोम होती है बॉडी कैविटी, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, मतलब एक माउथ होगा और एक एनस होगा। प्लेटीहेलमिंथिस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट नहीं होता था, उसमें खाली एक ही ओपनिंग हुआ करती थी।
अब क्या है, हमारे पास दो ओपनिंग है, एक माउथ है और एक एनस है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर है ना, हमारा एक माउथ है और एक एनस है, जिससे क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम यहाँ पे है। साथ में इसमें क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्कल हेलमिंथिस शोज मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके नीट में आने हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो सब रिमूव करता है, इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं विच हेल्प इन एक्सक्रीशन, उनको हम बोलते हैं रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स, ठीक है, रेनेट सेल्स। प्लेटी हेलमिंथिस में क्या होते थे, हमारे फ्लेम सेल्स जो होते थे अपने प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, इसमें क्या होते हैं हमारे रेनेट सेल्स, ठीक है। देन सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डायशियस, डाय मतलब दो, ईशियस मतलब होता है होम, दो होम, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, मतलब ये क्या होंगे, दे विल बी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, इसलिए क्या लिखा है, सेपरेट सेक्सेस, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और क्या बोलते हैं, डायशियस, ठीक है। एक तो ये टर्म होती है, दूसरा क्या होता है, एक होता है हमारा मोनोइशियस, मोनो मतलब एक ही घर, तो एक ही घर के अंदर दोनों रहते हैं, मेल और फीमेल, तो क्या हो जाएंगे, दे बिकम बाईसेक्सुअल, और क्या बोलते हैं उसको, हर्माफ्रोडाइट। तो बच्चों इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स है, या तो मेल है फीमेल है, तो उसके क्या है, दो अलग अलग घर बनेंगे, एक घर मेल का एक घर फीमेल का, तो उसको बोलते हैं डायशियस। तो डायशियस मतलब होता है मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मोनोइशियस, एक ही घर है, मतलब दोनों मेल फीमेल एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल, और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बेटा मस्कुलर फेरिंग्स जैसे हमारे अंदर होता है ना फेरिंग्स, ऐसे इनके अंदर फेरिंग्स है, हमारा भी फेरिंग्स इससे बना होता है, मसल से बना होता है। इससे पहले वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म में फेरिंग्स नहीं था, मतलब वो खाने को निगल नहीं सकते थे, तो इनमें क्या होता है, फेरिंग्स होता है, क्या करते हैं, खाने को निगल सकते हैं, है ना, खाने को स्वेलो कर सकते हैं, जैसे कि हम खाने को स्वेलो कर सकते हैं, तो ये फंक्शन होता है हमारे मस्कुलर फेरिंग्स का, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अभी देखेंगे कैसे होते हैं। ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल, जो फीमेल्स होती हैं वो मेल से लॉन्गर होती हैं, कैसे, अगर हम बात करते हैं एस्केरिस का, तो एस्केरिस में मेल ऐसे होता है, ये हमारा क्या बच्चों, दिस इज मेल, और जो फीमेल होती है वो कुछ ऐसे होती है, दिस इज अवर फीमेल। तो जो मेल होता है वो छोटा होता है और उसकी जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है, लेकिन जो फीमेल होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। तो इन केस ऑफ राउंड वर्म्स, जो फीमेल्स होती है वो लंबी होती है लेंथ में एज कंपेयर टू मेल्स। सबको बेटा पॉइंट क्लियर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव, चार स्टेटमेंट दे देंगे इसके बारे में, उसमें ये चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे कि मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इसलिए हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, अगर डायरेक्ट होगा तो ठीक है, इनडायरेक्ट होगा तो क्या बनेंगे, हमारे लार्वा बनेंगे, ठीक है, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एस्केरिस, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, इससे हमारे अंदर बीमारी होती है, ये हमारे अंदर सबसे कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है एस्केरिस, ठीक है। और क्या होता है, बुशरेरिया, बुशरेरिया बैंक्रोफ्टाई, और क्या होते हैं हमारे, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म्स, इनकी बीमारियों के नाम मैं लिख देता हूं फटाफट से, ठीक। पहला हमारा क्या होता है बच्चों, एस्केरिस, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, जायंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म, ये हमारी इंटेस्टाइन में होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में होता है, इससे कौन सी बीमारी होती है हमारी, एस्केरिस, एस्केरिस।
मतलब ये हमारी इंटेस्टाइन होगी और इसके अंदर से बहुत सारे राउंड वर्म्स हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा अपने को, हमारे इंटेस्टाइन क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो इट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ये हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक करता है। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस, ठीक है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस्केरियासिस। तो ये तो बीमारी थी जो करता है हमारा एस्केरिस। बेटा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमेशा तभी याद रहता है जब उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पता हो। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी एस्केरिस के बारे में, अगर सिर्फ नाम नाम रटोगे कभी याद नहीं होगा, इसलिए मैं हर एक एग्जाम्पल के बारे में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता रहता हूँ, है ना, थोड़ी बहुत कहानी बतानी चाहिए एग्जाम्पल के बारे में तभी याद रहेंगे, है ना। वो कोई तरीका नहीं है, वो लोग गाने बना लेते हैं इससे ये उससे वो एग्जाम्पल जाकर सब भूल जाते हैं। अपने को थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैंने बताया एस्केरिस के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं बुशरेरिया की, बुशरेरिया, ठीक है, बुशरेरिया बैंक्रॉफ्टाई बोलते हैं। इससे क्या बीमारी होती है अपने को, इससे होता है अपने को एलिफेंटेसियासिस, एलिफेंटेसियासिस, मतलब जो पांव होता है, ये नॉर्मल पांव है हमारा, इट बिकम्स एनलार्ज लाइक एन एलिफेंट फुट, तो कुछ ऐसा हो जाता है वो, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटेसियासिस, मतलब एलिफेंट लाइक फुट, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, हुकवम, तीसरा क्या होता है बच्चों हमारा, हुकवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा। तो इसके अंदर तीन एग्जाम्पल्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने ये दो एग्जाम्पल, एस्केरिस और हमारा बुशरेरिया। इससे क्या होता है अपने को, एस्केरियासिस, और इससे क्या होता है बच्चे अपने को, एलिफेंटेसियासिस, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ठीक है, क्योंकि इस बीमारी को हम और क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम और बोलते हैं फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ठीक है, फाइलेरियासिस, ठीक है, फाइलेरियासिस। चलो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मेल है और ये हमारा फीमेल है, यू कैन सी द डिफरेंस, मेल छोटा है, उसकी टेल क्या है, कर्व्ड है, और जो फीमेल है वो क्या है, लॉन्गर है, उसकी बॉडी क्या है, स्ट्रेट, कर्व नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका आंसर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है कि राउंड वर्म्स आर सुडोसिलोमेट, दूसरा ऑप्शन क्या है, मोलस्क आर एसिलोमेट, इंसेक्ट्स आर सुडोसिलोमेट्स एंड फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट्स। सबसे करेक्ट कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, बाकी हर चीजों में क्या है, एक्सेप्शंस है, हाँ ठीक है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो राउंड वर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरा फाइलम क्या है, एसिलोमेट होता है, उसमें कोई, सॉरी सुडोसिलोमेट होता है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, राउंड वर्म्स आर सुडोसिलोमेट, और ये कब आया है, 2010 में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम फाइलम एनालिडा के ऊपर, एनालिडा ये आया है हमारा वर्ड एनुलस से, एनुलस, एनुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, रिंग्स, तो इनकी बॉडी में क्या होती है, रिंग्स, रिंग्स मतलब बॉडी में क्या होती है, सेगमेंट्स होती हैं, बॉडी में क्या होती है बच्चों, सेगमेंट्स, ऐसे एक सेगमेंट होगा, फिर दूसरा सेगमेंट होगा, फिर तीसरा सेगमेंट होगा, है ना, तो इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट में होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेगमेंटेड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स, तो इनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेगमेंटेड वर्म, जैसे हमारा अर्थवर्म, और यहाँ पे सेगमेंट कंप्लीट होता है, मतलब बाहर तो होगा ही होगा, सेगमेंट अंदर भी होगा,
सेगमेंट अंदर भी होगा। तो जब बॉडी सेगमेंट में होती है तो क्या होता है, ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, मतलब जो ऑर्गन यहाँ पे है वही ऑर्गन यहाँ पे भी होगा, वही ऑर्गन यहाँ पे भी होगा। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथिस में क्या था, फॉल्स सेगमेंटेशन था, खाली बाहर बाहर सेगमेंट से अंदर बॉडी कंटिन्यूअस था। यहाँ पे क्या है, बॉडी के अंदर भी क्या है, सेगमेंट्स है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होते हैं, दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सेमार पैरासाइट, है ना, जैसे हमारा लास्ट फाइलम में था, निमेटोड्स में था, राउंड वर्म्स में था। ठीक है, अगेन वही कहानी के, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रू सेगमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, मेटामेरिज्म, और क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब इनको क्या बोलते हैं हम, एनालिड्स, मतलब इनकी बॉडी क्या होती है, रिंग लाइक होती है। ठीक है, सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, या तो सेगमेंट्स बोलेंगे या क्या बोलते हैं, मेटामर्स, और तभी नाम पड़ा है इसका एनालिड। यहाँ पे लिखा भी है, एनालिड्स का मतलब क्या होता है, रिंग्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है अभी तक, सारे पॉइंट बेटा क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये अब दिखा रहा है हमें कि बॉडी में सेगमेंट्स कैसे होते हैं, है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सेगमेंट है ना, यहाँ पे एक सेगमेंट है, तो पूरी बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, है ना, और जो भी कैविटी है वो इसके अंदर है ना। तो जो बॉडी कैविटी होती है, मतलब सिलोम, इट इज पार्टीशन्ड बाय वॉल्स, जिनको हम बोलते हैं सेप्टा। और क्योंकि हर एक वॉल में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, मतलब क्या होता है, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट। जैसे आप इसकी बॉडी में देख सकते हो यहाँ पे, है ना, इसकी अगर बॉडी में देखोगे आप तो देखो सेगमेंट्स है, यहाँ सेगमेंट है, यहाँ सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट। ये क्या है हमारा, अर्थ वर्म, ये क्या है हमारा, अर्थ वर्म, अर्थ वर्म, है ना। तो अर्थ वर्म शोज ट्रू सेगमेंटेशन, आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर दोनों तरह की मसल होती हैं, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल और एक होती है हमारी सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ठीक, मतलब एक तो होगी ऐसे अलोंग द लेंथ, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, और एक क्या होती है ऐसे राउंड राउंड राउंड, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर। तो ये मसल कैसी होती है, लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल, और ये कैसी होती है, सर्कुलर। अगर आपको इंसान की इंटेस्टाइन का भी याद है, जो हमने पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ डाइजेशन, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी जो लेयर होती है मस्कुलरिस की, उसके अंदर भी दोनों तरह की मसल होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल भी होती है और सर्कुलर भी होती है। ठीक है, तभी मूवमेंट हो पाता है, जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो पैरासेलिसिस होता है, जो मूवमेंट होती है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तरह की मसल हैं। सेम वे में इसमें दोनों तरह की मसल होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल भी होती है बच्चों और सर्कुलर मसल भी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दे हैव ओनली लॉन्जिट्यूडनल मसल, दे हैव ओनली सर्कुलर मसल, और दे हैव बोथ टाइप ऑफ मसल। फिर इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें काम करेगा, लोकोमोशन में, जैसे सांप चलता है ना ऐसे, क्योंकि उसमें दोनों तरह की मसल होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। सेम वे में ये भी लोकोमोट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह की मसल्स होती हैं। अच्छा, कुछ के अंदर क्या होते हैं हमारे, जैसे नेरिस का एग्जाम्पल दिया उन्होंने यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है। ये नेरिस के अंदर क्या होते हैं, लेटरल अपेंडिजेस, जिनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। अब ये क्या होते हैं, ये हमारा नेरिस, ठीक, इसकी बॉडी में क्या होंगे बच्चों, सेगमेंट्स होंगे ऐसे। ठीक,
इसकी बॉडी में फीट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं पैरापोडिया, ऐसे इनके बॉडी में क्या होते हैं फीट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं पैरापोडियास, पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है फीट लाइक, फीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है फीट लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं लोकोमोशन के लिए, एक हमारा होता है पैरापोडिया और दूसरा हमारा क्या होता है सीटे, सीटे ठीक है। तो किसी में दोनों होते हैं, किसी में पैरापोडिया भी होगा सीटे भी होगा, जैसे हमारा नेरिस इसमें दोनों होते हैं पैरापोडिया भी होता है सीटे भी होता है, किसी में खाली सीटे होते हैं जैसे कि हमारा अर्थवर्म उसमें पैरापोडिया नहीं होता, उसमें क्या होता है खाली के सीटे होते हैं, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं पैरापोडिया, क्या काम करते हैं दे हेल्प इन स्विमिंग। सो नीरिस के अंदर पैरापोडिया होंगे, फंक्शन क्या होगा पैरापोडिया का स्विमिंग, ठीक है फंक्शन क्या होगा पैरापोडिया का स्विमिंग। इनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो भी ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर ही होगा, ब्लड वेसल के बाहर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रिडिया, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नेफ्रिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटो नेफ्रिडिया कहां था बेटा प्लेटी हेलमिंथिस में, यहाँ पे क्या होते हैं नेफ्रिडिया। और इंसेक्ट्स में क्या होते हैं मेलफिजियन टिब्यूल्स। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होंगे नेफ्रिडिया, फंक्शन क्या होगा वही ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, एंड एक्सक्रीशन तो पता ही है अपने को रिमूवल ऑफ वेस्ट है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अच्छा इनका ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है ब्रेन में होते हैं गैंग्लियास। अब ये गैंग्लियास क्या होते हैं, ठीक है ये गैंग्लियास क्या होते हैं देख लेते हैं, ठीक है गैंग्लियास क्या होते हैं बच्चों, गैंग्लियास होते हैं बेसिकली कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नर्व बॉडीज, कलेक्शन ऑफ नर्व बॉडीज है ना। देखो ये डायग्राम होता है हमारे एक्सोन का है ना, ऐसे ये डेंड्राइट्स, ऐसे ये डेंड्राइट्स, ऐसे ये डेंड्राइट्स है ना। तो जो ये कलेक्शन है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स का है ना, जहां पे सिर्फ उनके हेड्स होते हैं जहां पे सेल बॉडी होता है, बाकी ये क्या ये तो एक्सोन है नीचे वाला पार्ट। तो जो ये कलेक्शन होता है सेल बॉडीज का उसको हम क्या बोलते हैं गैंग्लिया है ना, इनको हम क्या बोलते हैं गैंग्लिया। हमारे अंदर भी होते हैं पर हमारे पास ब्रेन भी है, इनमें खाली क्या होते हैं इनमें खाली गैंग्लिया होते हैं ब्रेन नहीं होता, ठीक है ना। इनमें खाली क्या होते हैं गैंग्लिया होते हैं ब्रेन नहीं होता, ठीक है। सो दे हैव पेयर्ड गैंग्लियन, मतलब दो गैंग्लिया होंगे, दो गैंग्लिया होंगे ठीक है ना। और साथ में क्या होते हैं लेटरल नर्व्स, तो क्या बनाते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है। अब एग्जाम्पल इन्होंने फिर एग्जाम्पल लिया है नीरिस का, नीरिस क्या है एक्वेटिक फॉर्म है ठीक है, नीरिस क्या है एक्वेटिक फॉर्म मतलब पानी के अंदर मिलता है अपने को, और क्या है डायशियस है ना, ये तो मैंने देख लिया पहले डायशियस क्या होता है ना, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे अलग अलग होंगे, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल होगा। लेकिन जो अर्थवॉर्म्स, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो हमारे अर्थवॉर्म्स और हमारे लीचिस ये क्या होते हैं मोनोशियस, मतलब दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल मतलब दे आर हर्मोफ्रोडाइट। तो इसी फाइलम के अंदर जो नीरिस है वो हमारा क्या है डायशियस है, मतलब उसमें सेक्सेस क्या है सेपरेट हैं। लेकिन जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं और जो हमारे लीचिस हैं उसमें क्या है दोनों सेक्सेस टेस्टिस और ओवरी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और क्या बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट, और क्या बोलते हैं मोनोइशियस। रिप्रोडक्शन बेटा कैसे होगा सेक्सुअल होगा है ना,
तो इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, तीन मेन एग्जांपल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नेरिस जो मैंने बनाया था अभी, फिर हमारा पेरिटीमा, हमारा अर्थवॉर्म, और हमारा हिरुडेनिया जो कि होता है हमारा लीच। ठीक, तो एक बार जरा देख लेते हैं सबके डायग्राम्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा अर्थवॉर्म है। ठीक है, अर्थवॉर्म में क्या खास बात है, इसकी बॉडी में क्या होते हैं बच्चों, सेगमेंट्स होते हैं सबसे पहली बात, है ना। और क्या होता है, क्लाइटेलम होता है। बट इस क्लाइटेलम जब हम वो पार्ट पढ़ेंगे टिश्यू का तब देखेंगे क्लाइटेलम क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखो कि अर्थवॉर्म में क्लाइटेलम होता है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट पे ऊपर क्या होता है, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम मतलब, प्रो मतलब होता है आगे, स्टोमियम मतलब माउथ, माउथ के आगे। तो इसके फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर क्या होता है, प्रोस्टोमियम। ठीक है, और देखो यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है अपने, ये सीटे, यहाँ पे क्या होते हैं सीटे। सीटे किससे बने होते हैं, काइटिन से, एंड दे आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं सीटे, सीटे क्या होते हैं, हेयर लाइक, एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन, दे हेल्प इन लोकोमोशन। किससे बने होते हैं, काइटिन से, एंड दे हेल्प इन लोको मोशन। ठीक है, दे हेल्प इन बच्चों लोकोमोशन। तो अर्थवॉर्म में क्या होते हैं अपने, सीटे होते हैं। नेरिस में क्या होते हैं, पैरापोडिया और सीटे दोनों होते हैं। ठीक है, और ये इसका एनस है। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थवॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, और पेरिटीमा। ठीक है, इंडियन अर्थवॉर्म। चलो ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या होता है, दिस इज हिरुडिनिया। हिरुडिनिया, हिरुडिनिया को क्या बोलते हैं, और कैटल लीच, कैटल लीच। लीच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड सक करता है कैटल्स में से, है ना, चिपक, जो बोलते हैं हिंदी में, जो चिपक जाता है और ब्लड सक करता है। इसके पास ये सकर होता है ना, सकर होता है, ऐसा राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, और फिर ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो इस सकर के थ्रू क्या करता है, ये ब्लड को सक करता है ना, एनिमल्स में से, जैसे ह्यूमंस में से ब्लड को सक करता है। जब ये सक करता है तो जो ब्लड होगा इट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म। जैसे हमें चोट लगती है, हमारा ब्लड आता है बाहर तो जम जाता है ना, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। अगर इसको ब्लड सक करना है तो ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, एक एंटी कोगुलेंट रिलीज करता है, एंटी कोएगुलेंट रिलीज करता है, विच प्रिवेंट्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जिसको हम बोलते हैं हिरुडिन, हिरुडिन, जिसके हिसाब से का नाम पड़ गया हिरुडिनिया, है ना। क्या नाम पड़ गया इसका, हिरुडिनिया, बिकॉज इसके सलाइवा के अंदर क्या होता है, हिरुडिन। हिरुडिन क्या है, एक तरह का एंटी कोएगुलेंट है जो ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है। दूसरा बेटा ये नेरिस, नेरिस तुमने बताया था, नेरिस में क्या होता है, दे है पैरापोडियास। ये क्या है, पैरापोडियास, है ना, ये पैरापोडियास, उसपे क्या है, सीटे भी हैं। तो इसके अंदर दोनों होते हैं, पैरापोडियास भी होते हैं और सीटे भी होते हैं। सो नेरिस में दोनों होंगे, पैरापोडिया होगा, सीटे होगा, अर्थवॉर्म में खाली क्या होते हैं, सीटे होते हैं। बेटा अभी ये क्यों पूछ रहे हो, वाई फॉर साउंड स्टॉप आफ्टर डायस्टोलिक प्रेशर। बेटा मैं चैप्टर ये पढ़ा रहा हूं, तुम पूछ रहे हो कार्डियोवास्कुलर का, ये पूछना बेटा एंड में। हाँ, अगर कहीं पे हमारे ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो तो हम अभी भी यूज करते हैं इसको ब्लड सक करने के लिए। काफी जगह थेरेपीज होती हैं जहां पे ये ब्लड सक करता है ना, जैसे कोई पे इन्फेक्शन आ गया है तो उस पार्ट में से, उस पार्ट का इलाज करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, क्या करता है, वहां से ब्लड सक कर लेता है। तो जितना भी इन्फेक्शन होता है आसपास के एरिया से, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। फिर हम आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर। सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी दुनिया में स्पीसीज हैं, टू थर्ड स्पीसीज बिलोंग्स टू दिस फाइलम। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसमें टू थर्ड होता है, वन थर्ड होता है, थ्री बाय फोर्थ होता है, तो ये पता होना चाहिए, है ना।
हर एक लाइन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 2/3, मतलब 3 पार्ट करें जितने भी दुनिया में स्पीसीज हैं, ठीक है, तो उसमें से 2/3 क्या होंगी, हमारे आर्थ्रोपोडा, जिसमें हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, हमारे क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स, श्रिम्प्स, हमारे अरेकनिड्स जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, है ना, ये सब आते हैं। दे हैव अगेन सब कुछ वही सेम रहेगा, ऑर्गन सिस्टम होता है ना, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, सिलोमेट्स होते हैं, ये सब पता है ना। इंपॉर्टेंट बात, इनका जो बॉडी का स्केल्टन है, जैसे हमारे बॉडी में जो स्केल्टन है जो सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केल्टन, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोस्केल्टन। इनकी बॉडी में जो कवरिंग होती है, जो फ्रेमवर्क है, वो बॉडी के बाहर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जोस्केल्टन, एग्जोस्केल्टन, एग्जो मतलब आउटसाइड, तो ये कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है। और बेटा किससे बना होता है, काइटिन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि जो स्केल्टन होता है इनके अंदर, वो किससे बना होता है, काइटिन से, ठीक है, किससे बना होता है, काइटिन से, ठीक है। तो जो इनका अंदर एग्जोस्केल्टन है वो किससे बना होता है बच्चों, काइटिन से। जो भी फ्रेमवर्क होगा वो बॉडी से क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है, बॉडी से क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। बेटा निहाल क्या है, ये एक ही मैसेज इतनी बार को टाइम करते हो, सर नाम तो प्लीज, नाम तो प्लीज, क्या बेटा नाम बताना है मुझे अपना, है तुम्हारा नाम पूछना है, क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी बातों से कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे। निहाल, कौन निहाल हो गया बेटा, निहाल तो पंजाबी का वर्ड है, निहाल होता है सुखी हो जाना, ठीक है, तुम्हें पढ़ा के मैं निहाल हो गया, सुखी हो गया, ठीक है। अब इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, है ना, इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है हमारा थोरेक्स, और एक होता है हमारे एब्डोमेन, ठीक है। तो ये होता है हेड, ठीक है, ये होता है थोरेक्स, और ये होते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में कितने होते हैं, अराउंड 10-11 सेगमेंट्स होते हैं। थोरेक्स में कितने होते हैं, 3 सेगमेंट, 1, 2 और 3, ठीक है। हेड होता है, हेड पे क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे इंसेक्ट्स का, है ना। फिर यहाँ पे लेग्स होंगी, जॉइंटेड लेग्स, ये एक तो हमारी यहां पे होती है और एक हमारी यहां पे होती है, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है। और फिर फिन्स होते हैं, 2 पेयर, है ना, ऐसे फिन्स होते हैं। तो ये जनरल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होगा, 3 चीजें होंगी, ठीक है, एक तो हेड होगा, एक थोरेक्स होगा, और एक क्या होगा, एब्डोमन होगा, है ना। और फिर क्या होते हैं इनके जो अपेंडेजेस, मतलब जो इनके लिम्स, जो इनके लेग्स होते हैं, लेग्स में क्या होते हैं, जॉइंट्स, जैसे हमारे लेग्स के अंदर जॉइंट्स होते हैं, ऐसे इनके लिम्स में क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तभी नाम क्या पड़ा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब क्या होता है बच्चों, जॉइंट, जॉइंट, और पोडा मतलब क्या होता है बच्चों, लेग्स। तो इनमें क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स। लेग्स में क्या होंगे, जॉइंट, जैसे हमारे हाथ में जॉइंट है, एक ऊपर बोन है, नीचे 2 बोन है, उनमें क्या है, जॉइंट है, ठीक है। सर ये बोल रहा है कि निहाल नाम लो आप, अच्छा निहाल, लो बेटा नाम ले दिया निहाल, ठीक है, खुश, निहाल नाम ले दिया, ठीक है। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, है ना, जॉइंटेड मतलब जिनके अंदर जॉइंट हो, है ना, उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब आते हैं इनके रेस्पिरेशन पे, है ना, रेस्पिरेशन पे। इनमें रेस्पिरेटोरी क्या होते हैं, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। अगर आप लोगों ने कॉकरोच पढ़ा होगा तो पता होगा कि कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होता है, दैट इज टेक्स प्लेस थ्रू ट्यूब्स, है ना,
ट्यूब्स के थ्रू होता है। तो अगर हम बनाए कॉकरोच में कैसा होता है, ऐसे ऐसे कुछ उसकी बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं ट्यूब्स होते हैं ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन जिसमें ट्यूब्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है ना, ट्यूब्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। हमें कैसे होता है लंग्स के थ्रू, हमें कैसे होता है लंग्स, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना। अगर होता है थ्रू गिल्स, अगर होता है थ्रू गिल्स उसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो अगर लंग्स के थ्रू होगा तो बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर होगा बिकॉज ऑफ गिल्स तो बोलेंगे ब्रैंकियल, अगर होगा बिकॉज ऑफ ट्रेकिया तो बोलते हैं ट्यूब्यूल, अगर होता है बिकॉज ऑफ ट्रेकिया तो उसको बोलते हैं हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। और अगर होता है थ्रू स्किन, अगर होता है थ्रू स्किन तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये एग्जाम में काफी पूछते हैं, ठीक है, क्यूटेनियस क्या होता है, ब्रेकियल क्या होता है। तो इसमें कैसे हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है। गिल्स किसमें होते हैं, जैसे हमारे फिशेस में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होगा उसमें गिल्स के थ्रू होगा। कुछ गिल्स का जो शेप होता है लाइक से ओपन बुक, तो उसको हम बोलते हैं बुक गिल्स। सेम वे में कुछ का लंग्स का शेप होता है बुक की तरह, जैसे खुली हुई बुक की तरह, उनको हम बोलते हैं बुक लंग्स। और क्या बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। तो गिल्स, अगर गिल्स का शेप होगा किताब की तरह तो क्या बोलेंगे बुक गिल्स, और अगर लंग्स का शेप होगा बुक की तरह उसको हम क्या बोलते हैं बुक लंग्स, ठीक है। यहाँ पे अपने को इतना ही याद रखना है। अब आता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है बच्चों, ओपन टाइप का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, मतलब ब्लड विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के बाहर आ जाएगा, है ना। बाकी सब ने अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लोज टाइप का था, इसमें क्या होता है ओपन टाइप का, ब्लड विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। अब आते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है, जो कहां पे होते हैं इसके हेड पे लगे होते हैं, ठीक है, जो कहां लगे होते हैं इसके हेड पे लगे होते हैं, ठीक है। तो एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं इसका, ठीक है, ये हमारा हेड होगा, हेड पे क्या होंगे ऐसे एंटीना लगे होंगे, एंटीना, अगर आपने देखा होगा कॉकरेच, कॉकरेच के सर पे देखे होंगे ना एंटीना, उसके ऊपर एंटीना होते हैं, है ना, इसको देख के आप भाग जाते हो, है ना, इतने लंबे लंबे एंटीना होते हैं कॉकरेच के सर पे। फिर इनकी आईज होती हैं, आईज में क्या होता है कि एक आईज में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं ऐसे, जैसे हमारी आंख तो भाई एक ही है, इसमें तो कोई सेगमेंट नहीं है, इनकी आंख में क्या होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड आईज, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज, है ना, मतलब एक आंख के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी आंखें होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड आईज, ठीक है। दो चीजें होगी, एक हो गया एंटीना, एंटीने, और एक क्या हो गया बच्चों कंपाउंड आईज, है ना। तीसरा होता है बैलेंस करने के लिए, कभी देखा होगा आपने मच्छर के पीछे भागे हो मारने के लिए, या कॉकरोच को मारने भागे हो तो वो कैसे कैसे भागता है ना, तो उसकी बॉडी का ना बैलेंस बना रहता है, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर जाएगा, जैसे मॉस्किटो होता है, मक्खी होती है, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो वो अपनी बॉडी का ना बैलेंस बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो बैलेंस मेंटेन करता है वो करता है सेरिबेलम, है ना, सेरिबेलम हमारी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है। जैसे मैं खड़ा हूं अभी तो मैं ऐसे झुकूंगा तो गिरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सेरिबेलम मेरी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा है ना। सेम इनमें क्या होता है कि एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, स्टेटो मतलब क्या होता है बैलेंस, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस। तो इनके अंदर तीन तरह के, इनके अंदर, हाँ मॉस्किटो बना दे बेटा, बहुत बढ़िया, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा तीन तरह के
सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या था हमारा, एंटीना। सबसे पहले क्या आते होते हैं बेटा हमारे, एंटीना। तो ये हमारा सबसे पहले है एंटीना, ठीक है। फिर क्या होते हैं, आईज। आईज क्या होंगे बेटा, इनके अंदर कंपाउंड आईज होंगी, ठीक है। आईज क्या होंगी, कंपाउंड, और कुछ में सिंपल भी हो सकती हैं, पर अपने को याद रखना है कंपाउंड आईज, है ना, अपने को रखना है याद कंपाउंड आईज। और फिर क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका फंक्शन पूछते हैं एग्जाम में, इनका फंक्शन क्या होता है, दीज आर बैलेंसिंग ऑर्गन। ये इनके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, इनकी बॉडी को बैलेंस करने में बच्चे हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेटोसिस्ट, जो इनकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करेंगे। और अब इस चैप्टर का भैया सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन क्वेश्चन, जो कितनी बार ये एग्जाम में आया है, मतलब कितनी बार ये एग्जाम में आया काउंटिंग नहीं है, और वो है मेल्फीजियन टिब्यूल। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप पेपर करोगे ना पिछले 20 साल के इस चैप्टर के, तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, हमारे टाइम से आ रहा है, मतलब जब मैंने अपना नीट एग्जाम दिया था तब से अभी तक क्वेश्चन ही आ ही रहा है, आना बंद नहीं हुआ है, है ना। 20-25 साल हो गए तभी से क्वेश्चन आ रहा है। सो मेल्फीजियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें भी किसका, कॉकरोच का, ठीक है, कॉकरोच का। पूरे का नहीं होता, सब में अलग अलग होता है, पर वो अपने को याद रखना नहीं है, अपने को सिर्फ याद रखना है मेल्फीजियन टिब्यूल किसका होता है, कॉकरोच, मतलब इंसेक्ट्स का। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है अपना, मेल्फीजियन, मेल्फीजियन टिब्यूल्स, ठीक है, मेल्फीजियन इंसेक्ट, जैसे कि अपने कॉकरोचेस, कॉकरोचेस, इसमें क्या होते हैं अपने मेल्फीजियन टिब्यूल, इसमें क्या होते हैं बच्चों अपने मेल्फीजियन टिब्यूल। सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये तो आपको रात में नींद में भी याद होना चाहिए कि भैया मेल्फीजियन टिब्यूल किसके अंदर एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सो दे वर्क अंडर आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर भी इंसेक्ट्स, क्लास इंसेक्ट्स में, और एग्जाम्पल है अपना कॉकरोच, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, तो हम पहले भी देख चुके हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली ओविपेरस। व्हाट आर ओविपेरस, फटाफट बताओ, ओविपेरस क्या होता है, ओविपेरस का बेटा मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, व्हाट इज ओविपेरस, बताया था मैंने पिछली बार, बच्चों व्हाट इज ओविपेरस, ओविपेरस क्या होता है बच्चों, जो एग लेइंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, है ना, हु लेज एग, वेरी गुड, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। तो जिसको ना पता हो उसके लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है ओविपेरस, ठीक है, और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस, और एक होता है बच्चों विविपेरस, ठीक है। विवि मतलब ये देते हैं बच्चे, जैसे इंसान, इंसान क्या है, विविपेरस है, ठीक है, हम क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, है ना, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, दे वो देते हैं अंडे, उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ठीक है। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। कभी आपने बच्चा देखा है कॉकरोच का, कॉकरोच का बच्चा कॉकरोच जैसा ही लगता है ना, तो वहां पे डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, है ना। और अगर किसी इंसेक्ट का बच्चा उस जैसा नहीं लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, है ना। हमने एग्जाम्पल लिया था टेडपोल का और फ्रॉग का, है ना। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट, है ना, डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट। हाँ कॉकरोच, बढ़िया बनाया तुमने कॉकरोच एकदम, ठीक है, पर ये सब चीज याद रखना बस, ठीक है। मेल्फीजियन टिब्यूल किसके लिए होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अब फटाफट से, ठीक है। एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जिन इंसेक्ट से हमें कुछ फायदा होता है ना। वैसे तो इंसेक्ट क्या करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं,
पर ऐसे कुछ इंसेक्ट्स जिनसे हमें कुछ फायदा मिलता है, जैसे कि हमारा हनी बी, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा हनी बी, इससे क्या मिलेगा अपने को, हनी मिलेगा, है ना। इससे क्या मिलेगा अपने को, हनी मिलेगा, शहद मिलता है। नाम क्या होता है इसका, एपिस इंडिका, है ना, एपिस इंडिका मतलब हनी बी। दूसरा हमारा होता है बॉम्बिक्स, इससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क, सिल्क। तो क्या बोलते हैं इसको, सिल्क वर्म, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सिल्क वर्म। फिर हमारा होता है लेसिफर, लेसिफर से क्या बनाते हैं, लैक। लैक का काम आता है, ये इनफ्लेमेबल होता है, जलने में काम आता है, है ना। तो कहीं भी जब हम जलाते हैं कोई चीज तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, जल्दी आग पकड़ता है ये लेसिफर, ठीक है। अब वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स थोड़ा समझते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं ना, वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, जो पैथोजन कैरी करते हैं। पैथोजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अपना मॉस्किटो है, वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है ना। जो हमारे घर की मक्खी है, मतलब हमारी हाउस फ्लाई, इट विल कैरी बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करता है। और जो हमारी हाउस फ्लाई है वो क्या करती है, वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, वेक्टर। तो हमारा इंसेक्ट क्या है, सॉरी, हमारा इंसेक्ट मतलब मॉस्किटो क्या है, वेक्टर्स, और हमारे हाउस फ्लाई क्या है, वेक्टर्स। सो वेक्टर्स कैरी कैरी डिसीज, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैथोजन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैथोजन्स, है ना। सो वेक्टर्स कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एनोफिलिस, एनोफिलिस, एनोफिलिस क्या है बच्चों, एक तरह का मॉस्किटो है, मॉस्किटो है, है ना। क्या कैरी करता है ये, इट विल कैरी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम, एंड दिस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विल कॉज मलेरिया, मलेरिया। और ये है क्या, इट्स अ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। सो एनोफिलिस कैरी अ प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और भी तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं, एंड दे विल कॉज मलेरिया। दूसरा हमारा होता है क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स भी मॉस्किटो है, जो कैरी करता है, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी, बुशरेरिया बैंक्रोफ्टाई, जो एलिफेंटेसिस कॉज कर रहा था, उसे ही कैरी करता है। सो इट कैरीज फाइलेरियल वर्म, फाइलेरियल वर्म, जो करता है एलिफेंटेसियासिस, ठीक है। तीसरा होता है अपना एडिस, एडिस एगिप्टी मॉस्किटो है, क्या कैरी करता है ये, डेंगी, डेंगी वायरस, ये भी क्या एक तरह का मॉस्किटो है, क्या कैरी करता है ये, डेंगी वायरस। और इससे कौन सी बीमारी होती है अपने को, डेंगी, है ना। तो ये सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सॉरी, डिसीज कैरिंग वेक्टर्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं, है ना, काफी बार एग्जाम में बच्चों एग्जाम्पल पूछते हैं, इसको पॉज करके लिख लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रिगेरियस पेस्ट, व्हाट इज ग्रिगेरियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, है ना, जैसे हमारे लोकस्ट, टिड्डे, टिड्डे क्या आते हैं, लाखों के ग्रुप में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा अपना, लोकस्ट, लोकस्ट, है ना, लोकस्ट, टिड्डा, अभी कुछ महीनों पहले आया था, पिछले साल आया था, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा लिविंग फॉसिल, जिसको हम बोलते हैं लाइमुलस, और क्या बोलते हैं, किंग क्रैब। इसको बच्चों लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज अनचेंज्ड, अनचेंज्ड सिंस लास्ट 190 मिलियन ईयर्स अगो
190 मिलियन ईयर से इसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई इवोल्यूशन नहीं आया, तो इट्स लाइक अ फॉसिल जो जिंदा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो लिविंग फॉसिल इज हमारा लैबुलस और किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब। ठीक है बच्चों, सर ब्लाटा, ब्लाटा मतलब क्या है बेटा, स्पेलिंग समझ नहीं आई मुझे, ब्लाटा क्या होता है? ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल बॉडी है इंसेक्ट का, है ना। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट क्या है, हेड, ये वाला पार्ट क्या है इसका, हेड, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है इसका, थोरेक्स, ये वाला पार्ट क्या बच्चों इसका, थोरेक्स, और जो पीछे वाला पार्ट क्या बच्चों वो एब्डोमन। तो एक इंसेक्ट के अंदर तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमन होता है। हेड में क्या होते हैं इसके एंटीना, है ना, ये क्या है इसके एंटीना, और क्या होंगे इसकी आईज, और क्या होंगे स्टेटोसिस्ट, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, तो ये एग्जांपल थी एनसीईआरटी में, हमारा लोकस टिड्डा, हमारा बटरफ्लाई, हमारा स्कॉर्पियन और हमारा प्रॉन, है ना। प्रॉन तो एक सी फूड है, इसके बाहर की शेल हार्ड होती है, शेल को निकाल के लोग खाते हैं इसको, है ना। जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कंट्रीज जैसे जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वहाँ पे काफ़ी खाते हैं इनको, है ना। हार्ड शेल होती है, उसको निकाल देते हैं, अंदर सॉफ्ट एनिमल होता है, उसे खाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन, 2020 में आया, फटाफट से आंसर बताओ इसका, एक ऑप्शन में आंसर है इसका, खाली एक ही ऑप्शन में, सारे ऑप्शन पढ़ने के नीड नहीं होते, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सारा कुछ पढ़ने का नीड ही नहीं है, आपको खाली एक जो आपको अच्छे से पता है वो देख लो बस, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, अभी अपने ने क्या पढ़ा कि ग्रिगेरियस पेस्ट क्या होता है, लोकस्ट, मतलब ए का क्या होगा, फोर, और एक ही ऑप्शन में बेटा ए का फोर है, तो फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए का आंसर क्या, फोर, काम खत्म। नीट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटा दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन सही करना, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को जल्दी सही करना, टाइम बचाना, ताकि आप बचे हुए टाइम में और क्वेश्चन कर सको। तो जब आप इसको पढ़ने बैठोगे तो पूरा नहीं पढ़ना है, हमेशा पहले स्कैन करो फटाफट से कि आपको क्या अच्छे से आता है। आपको पता है ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा होता है, अपना लोकस्ट, देखो ए का फोर है, बाकी में है खत्म, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करो, है ना। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं फटाफट से, एक ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन देख लिया, अगर एक में आंसर ऐसा है तो खत्म, अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आया नीट 2020 में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं वो बाहर से आ जाते हैं, तो अपने को ज्यादा बार बार हाथ नहीं मारने हैं, अपना एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ना है ना, और जो आपकी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम आपको एनसीईआरटी के अलावा भी काफी चीजें बताते हैं, ताकि आपको चीज समझ में आए और याद रहे। याद कब रहेगा, जब चीज समझ में आएगी, है ना, रट्टा मारोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एंटीना का फंक्शन बेटा बताया ना, सेंस ऑर्गन, वो सेंस करने के लिए होता है, जैसे आपके घर पे लगाते हो ना एंटीना, क्या करता है वो, सिग्नल लेता है सैटेलाइट से, ऐसी वो भी सेंस के लिए होता है ना, आसपास का एनवायरनमेंट क्या है उसके लिए होता है, वो सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, बताओ फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर नहीं होता, क्या आंसर होगा बेटा,
देखो यहाँ पे दो में तुम फंसोगे, एक तुम फंसोगे इसके अंदर है ना, और एक फंसोगे इसके अंदर है ना। अगर हम इसको देखें तो सेगमेंटेशन तो इसकी बॉडी के अंदर होता है ना, तीन सेगमेंट्स होते हैं हमारे, हमारा क्या होता है, एक होता है हेड, एक होता है थोरेक्स, एक होता है एब्डोमन। एब्डोमन के अंदर भी क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं है ना। तो ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पैरापोडिया नहीं होता। अगर ये या आपको याद हो, पैरापोडिया किसमें था, नीरिस में था, वो किसमें था, एनालिडा में है ना। तो पैरापोडिया इसमें नहीं होता, इसमें तो पूरे लेग्स होते हैं ना, नाम ही क्या है आर्थ्रोपोडा, तो इसमें तो कंप्लीट लेग्स हैं, इसमें पैरापोडिया नहीं होता। तो विच इज नॉट प्रेजेंट, पैरापोडिया इज नॉट प्रेजेंट है ना, पैरापोडिया इज नॉट प्रेजेंट। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है हमारा, पैरापोडिया। ठीक है, फिर बेटा हम आते हैं मोलस्क के ऊपर। मोलस्क क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा, आर्थ्रोपोडा। सेकंड बड़ा कौन सा होता है हमारा, मोलस्का। और सबसे छोटा कौन सा होता है हमारा, टीनोफोरा है ना। सबसे स्मॉल कौन सा होता है हमारा, टीनोफोरा। अगेन दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, वही कहानी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, टेट्राप्लास्टिक, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, बॉडी इज कवर्ड बाई अ कैलकेरियस शेल। अगर आपने कभी शंख दिखाओ ना, शंख, शंख क्या होता है, शंख एक तरह का मोलस्क है ना। जो हार्ड कवरिंग आपको मिलती है, मतलब उसके जो अंदर का ऑर्गेनिज्म वो मर चुका है ना। जब वो जिंदा होता है तो ऊपर से हार्ड कवर होता है, अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है ना। उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो वो कवरिंग है, जो वो शंख बना, किससे बना हुआ है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से। सो देयर बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल है ना, बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस शेल, मतलब वो किससे बनी हुई है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इनकी जो बॉडी होती है बाहर की तरफ, वो हार्ड होती है, जैसे अपना स्नेल में होती है। अगर आपने कभी स्नेल देखा हो तो स्नेल में क्या होता है, ऐसे एक ऐसे राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर से ऐसा एक ऑर्गेनिज्म निकला होता है ना, देखा होगा। तो ये जो हार्ड कवरिंग है, ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से है ना। तो बॉडी इज कवर्ड बाई अ कैल्शियम कार्बोनेट शेल, बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, फिर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी जैसे उसमें थे एनुलस में, यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं होता, ठीक है ना, बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट नहीं है। लेकिन तीन चीजें होती हैं, एक हेड होता है, एक मस्कुलर फुट होता है, और एक होता है विसरल हम। अभी हम देखेंगे क्या क्या होते हैं है ना, या पहले देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे होता है, ठीक है, यहां पे देखो ये हेड है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये हेड है इसका, ठीक है, नीचे क्या है इसका, फुट है। और फुट किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, ऐसे पाँव नहीं है, एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फुट। किसमें काम आता है, फुट है तो काम किसमें आएगा, लोकोमोशन में काम आएगा, मतलब चलने के काम आएगा है ना। और ये जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, विसरल मास, विसरल मास, जिसके ऊपर, जिसके ऊपर एक कवरिंग, उसको हम बोलते हैं मेंटल। और मेंटल के ऊपर होता है अपना शेल, मेंटल के ऊपर होता है अपना शेल, और शेल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब इस विसरल मास में होता क्या है, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब जितने भी ऑर्गन्स होंगे मोलस्क के अंदर, किसके अंदर होंगे, विसरल मास। व्हाट इज विसरा, विसरा मतलब होता है इंटरनल, विसरा मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसकी बॉडी में तीन चीज होती है, एक होगा हेड, ये इसका हेड, जहां पे क्या है, इसके आईज होते हैं एंटीना के ऊपर, ये इसकी आईज होती हैं जो एंटीना के ऊपर होती हैं, ठीक, इसकी आईज होती हैं। दूसरा क्या होता है, फुट, जो लोकोमोशन में काम आएगा। और तीसरा क्या होता है, हम्प, हम का देख लेते हैं अभी, हम कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये पूरा बॉडी है इसका, इसमें इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछते हैं, वो पूछते हैं रेडुला। रेडुला क्या होता है ना, रेडुला क्या होता है, रास्पिंग ऑर्गन, टंग की तरह होता है, खाने को पकड़ने के काम आता है, पकड़ने को चबाने के, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला।
तो रेडुला इज ओनली सीन इन दीज एनिमल्स मोलस्क, ठीक है। रेडुला किस में होता है? मोलस्क में होता है, हाँ ये वाला स्नेल, ठीक है। अच्छा फिर क्या है बेटा, ये इसका मस्कुलर फुट है, ठीक है, मस्कुलर फुट है। और ये क्या है इसका? विसरल हम्प, ठीक है। ये जो अंदर वाला एरिया है, ये क्या है इसका? विसरल हम्प, ठीक, विसरल हम्प। इसमें देखो क्या क्या है, स्टमक है, और ये इंटेस्टाइन है, ये इसका हार्ट है, ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना। अब इसके ऊपर एक कवरिंग है, इसके ऊपर ऐसी कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज मेंटल। तो विसरल मास, विसरल मास के ऊपर कवरिंग, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेडुला क्या होता है? रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब जो खाने को पकड़ने काम आए, खाने को पकड़ता है और फिर खाता है उसको, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग मतलब जो खाने को पकड़ने के काम आता है। तो इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन, इट्स लाइक ए टंग, जैसे हमारी टंग होती है ना वैसे काम करता है ये, ठीक। सो इसकी बॉडी में हेड हो गया, मस्कुलर फुट हो गया, और ये विसरल हम्प हो गया जो सॉफ्ट टिश्यू है। उस सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर क्या है? मेंटल, मेंटल, ठीक है। और उस मेंटल के ऊपर क्या होता है? बॉडी की शेल जो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर मैं बनाऊं इसको यहां पे, ये ऐसे इसका फुट हो गया, ये इसका हेड हो गया, हेड के ऊपर एंटीना हो गए, एंटीना के ऊपर ये इसका विसरल हम्प हो गया, है ना। ये किस में सारे ऑर्गन्स है इसके, सारे ऑर्गन्स, है ना। और ये क्या है इसका? हम्प है, विसरल हम्प, विसरल हम्प, है ना। हम्प के ऊपर, हम्प के ऊपर क्या है बच्चों? इसका मेंटल। तो ये इसका मेंटल है, तो ये क्या है? मेंटल। अब यहां पे कैविटी होती है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में, जो ये जगह है इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो ये क्या होती है हमारी? मेंटल, मेंटल कैविटी। और उसमें क्या होते हैं? इसके गिल्स, जैसे यहां पे बना रखा है, ठीक है। ये जो मेंटल कैविटी, इसमें क्या है? गिल्स। गिल्स किस काम आएंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं गिल्स, है ना। सो गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी। इसके ऊपर, मेंटल के ऊपर, मेंटल के ऊपर क्या होता है इसकी बॉडी में? शेल होता है। मेंटल के ऊपर क्या होता है बॉडी में? शेल। और वो शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, है ना। तो विसरल हम क्या है? सॉफ्ट टिश्यू, उसके ऊपर मेंटल, मेंटल के ऊपर क्या है? शेल, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पीछे क्या है इसका? एनस है, जिसके थ्रू फीकल मैटर निकल जाता है, ठीक है। तो एक बार वापस चलते हैं, एनसीईआरटी का बोल रही थी हमें, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा था कि इसकी बॉडी क्या होती है? अनसेगमेंटेड। इसकी बॉडी क्या होती है बेटा? अनसेगमेंटेड होती है। क्या क्या होते हैं? हेड होता है, फुट होता है, एंड विसरल हम्प होता है। ये सब हमने देख लिया, है ना। फुट क्या होता है, हेड क्या होता है, सब देख लिया। जो हम्प होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या होता है? वी हैव अ मेंटल, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। तो विसरल हम्प के ऊपर क्या होगा? स्किन बनाती है मेंटल, ठीक है। मेंटल लाइज ओवर द विसरल हम्प, ठीक है, ओवर द विसरल हम्प। अब जो ये हम्प है, जो विसरा है, विसरा और मेंटल के बीच में क्या है? मेंटल कैविटी, जैसे मैंने अभी बनाया था। और उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं गिल्स। सो मेंटल कैविटी में क्या होंगे बेटा? गिल्स। काम क्या है गिल्स का? जैसे हमारे अंदर काम होता है लंग्स का, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। अब यहां पे गिल्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना। गिल्स नॉर्मली किसके लिए होता है? फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। पर यहां पे जो गिल्स हैं, दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे गिल्स के दो फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। ये तो बच्चे गलती कर जाते हैं। मोलस्क के अंदर गिल्स के दो फंक्शन है, एक तो ये काम करता है रेस्पिरेशन में, लेकिन साथ में काम करता है एक्सक्रीशन के अंदर भी, मतलब ये हेल्प करेगा रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे गिल्स के बेटा दो फंक्शन है,
ठीक है, गिल्स के दो फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बेटा गिल्स के दो फंक्शन है, दो फंक्शन कौन से हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन में भी काम आता है बेटा ये, और एक्सक्रीशन के अंदर भी काम आता है, ठीक है। एंटीरियर हेड, हेड आगे की तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर हेड। उसमें क्या होते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया था ना अभी, ये क्या बनाया था मैंने, ये ऐसे, ये इसका फुट बनाया था है ना, ये इसका हम बनाया था, और ये इसके टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ऊपर क्या होती है, इसकी आईज होती हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है, और उस पर क्या होती हैं, आईज होती हैं, टेंटिकल्स के ऊपर आईज होती हैं, ठीक। टेंटिकल्स पे क्या होती हैं, इसकी आईज होती हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके माउथ में क्या होता है, माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, खाने के लिए, फीड करने के लिए, ताकि अपने खाने को पकड़कर चबा सके, उसके लिए क्या होता है, रेडुला। सो रेडुला इज सीन इन केस ऑफ मोलस्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, मोलस्क में क्या बना दिया बेटा, तो तुम इतने बड़े बड़े यार वो भेजा करो ग्राफिक, वो आते नहीं है इसके अंदर, तुम वो भेजते हो ना स्टिकर भेजते हो और वो क्या क्या भेजते हो, वो आता नहीं, लोड नहीं हो पाता वो, ठीक है। सिंपल सिंपल लिखा करो यार, फटाफट से टाइप वाइप है ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से इसका, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखने अपने को इसके, एग्जाम्पल क्या है इसके, पाइला, एप्पल स्नेक, ये वाला पाइला, जिसको यहाँ पे बहुत यूज करते हैं ना इंडिया में शंख बजाने के लिए है ना। तो ये क्या है, कैल्शियम का शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म था पहले, जो ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, वो तो बेचारा मर गया, वो तो मर गया, क्या छोड़ गया, अपनी बॉडी की कवरिंग छोड़ गया, जो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसको यहाँ पे यूज करते हैं मंदिर वंदिर में शंख बजाने के लिए है ना। तो ये होता है हमारा एप्पल स्नेल, पाइला मतलब एप्पल स्नेल। दूसरा होता है पिंक टाडा, पिंक टाडा मतलब पर्ल, पर्ल मोती है ना, मोती। ये ऐसा फ्लैट सा ऑर्गेनिज्म होता है, दो लेयर में, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, जिसके अंदर अगर कोई पार्टिकल चला जाए तो उस पार्टिकल के अराउंड ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, तो उसकी बॉडी में क्या बनते हैं, मोती बनते हैं, ऐसे बहुत सारे मोती बनते हैं। इसकी फार्मिंग भी होती है बहुत सारी जगह पे, इनको ग्रो करते हैं, जैसे कि मुर्गी की फार्मिंग होती है, फिश की फार्मिंग होती है, ऐसे इनको भी फार्मिंग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर्स, पर्ल ऑयस्टर्स है ना। इनसे क्या मिलते हैं अपने को, मोती मिलते हैं, बेटा रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होगा ना, इनकी बॉडी में गिल्स थे ना, अभी तो बताया मैंने गिल्स, मेंटल कैविटी में क्या थे, गिल्स थे, सो रेस्पिरेशन होगा थ्रू गिल्स, ठीक है। और क्या होता है इसमें एग्जांपल में, और क्या एग्जांपल है अपना, सीपिया, सीपिया मतलब कटल फिश, लोलीगो, स्क्विड, और अपना ऑक्टोपस, ये क्या है अपना, ऑक्टोपस, तो देखा होगा आपने एग्जांपल में ऑक्टोपस है ना। फिर अपना एप्लीजिया है, सी हेयर है, डेंटेलियम है, टस्क शेल है, कीटोप्लूरा है, काइटोन है ना। तो इसके एग्जांपल थोड़े याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल थोड़े अनकॉमन से हैं, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, और अपने को याद तो रहते नहीं है, है ना, तो इसलिए इसके एग्जांपल को थोड़ा सा याद रखना है अपने को, है ना। और क्या थे, ये डायशियस होता है एंड दे आर आल्सो ओविपेरस है ना। तो चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, बताओ फटाफट से आंसर, आंसर क्या होगा, 19 में आया है, फ्रेश क्वेश्चन एकदम।
क्या आंसर होगा बच्चों? सी है ना भाई। पहला क्या है हमारा, अभी पढ़ा हमने, पहला क्या है हमारा, मोलस्क है। मोलस्क में क्या होता है बच्चों? मोलस्क में होता है हमारा रेडुला। तो एका क्या हो गया? एका थ्री हो गया। एका क्या हो गया? थ्री। एक बॉम्बिक्स क्या है हमारा? इंसेक्ट है। इंसेक्ट में क्या होते हैं हमारे? मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। तो बी का क्या हो गया? फोर। तो बेटा बी का क्या हो गया हमारा? फोर। प्लूरोब्रेकिया क्या था हमारा? टीनोफोरा, जिसमें हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेट्स होते हैं। तो सी क्या हो गया? सी हो गया हमारा टू। और टीनिया, टीनिया क्या होते हैं हमारे? फ्लैट वर्म्स, उसमें क्या होंगे? फ्लेम सेल्स। तो डी क्या हो गया बेटा हमारा? वन। तो ये किसके अंदर है? हमारे सी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये बेटा किसके अंदर है? हमारे सी ऑप्शन के अंदर। तो बेटा आंसर क्या होगा हमारा? सी। सबका आंसर ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो इसमें हमने जो पढ़ा बेटा, एनसीईआरटी से पूछा पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन है ना, कुछ भी इसमें से बाहर से नहीं है। तो अगेन इट प्रूव्स कि अपने को थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब हम आते हैं एकाइनोडर्मेटा के ऊपर है ना। एकाइनो, एकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, एकाइनो मतलब स्पाइन, कांटे। एंडर्मेटा क्या होता है? स्किन, स्किन। तो बेटा इनकी स्किन के, इनकी स्किन पे क्या होते हैं? स्पाइन्स होते हैं। बेटा इनकी स्किन पे क्या होते हैं? स्पाइन्स, कांटे होते हैं। जैसे अपना स्टारफिश होता है, अगर आप उसकी बॉडी देखो तो उसकी बॉडी पे क्या होंगे? ऐसे ऐसे स्पाइन्स होंगे। ठीक है, तो नाम पड़ गया एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा। अब आते हैं इसके अंदर है ना। अब मोलस्क में क्या था? मोलस्क में बॉडी के बाहर शेल था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बॉडी के अंदर शेल होता है। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंडोस्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर इनका वो है, फ्रेमवर्क है। तो वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है बेटा हमारा कैल्शियम ऑसिकल से या कैल्शियम कार्बोनेट से है ना। तो नाम पड़ गया इनका एकाइनोडर्मेटा, मतलब स्पाइन। इनकी बॉडी कैसी है? स्पाइनी है ना। अगेन इसमें वही कहानी, हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा ये ब्ला ब्ला ब्ला। रेडियल सिमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अडल्ट्स होते हैं, जो हमारे अडल्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो रेडियल सिमेट्री किसमें था? तीन में था, सी सी ई। सी मतलब निडेरिया, सी मतलब टीनोफोरा और ई मतलब एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। सो तीन फाइलम में बेटा हमारी होती है रेडियल सिमेट्री, लेकिन जो एकाइनोडर्मेटा होता है उसके अंदर अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो लार्वा होते हैं, लार्वा कैसे होते हैं बच्चों हमारे? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकली, लेकिन जो लार्वा होते हैं बेटा वो क्या होते हैं हमारे? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो अडल्ट हमारे रेडियल हैं और जो हमारे लार्वा हैं, लार्वा बेटा हमारे क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। लार्वा हमारे क्या होते हैं बेटा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। फिर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे ही है, एंड सिलोमेट्स तो होंगे ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि इनका मुंह नीचे की तरफ है। ठीक है, मुंह जो माउथ है कहाँ गया? हाँ, जो माउथ है वो वेंट्रल है। ये क्या होता है हमारा? वेंट्रल। पीछे वाला क्या होता है? डॉर्सल। तो इनका माउथ कहाँ है? वेंट्रल है। और एनस कहाँ है? डॉर्सल है। सो एनस कहाँ है? ऑन द अपर साइड, डॉर्सल साइड। ठीक है, सो एनस ऊपर की तरफ है डॉर्सल सरफेस पे, और जो माउथ है वो क्या है? वेंट्रल सरफेस पे। डायग्राम में देखते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं अभी। ये इनका नर्वस सिस्टम बताया है ना। तीन एग्जांपल लिए यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है। हाइड्रा में नर्वस कैसा होता है? ऐसे नेट बना होता है। इनमें कैसा होता है? नर्व रिंग है ना, ऐसे रिंग बनी होती है सेंटर में और उससे ऐसे निकलती हैं। तो इसमें कैसी होती है? नर्व रिंग्स होती हैं। और जो अपना होता है प्लेनेरिया मतलब फ्लैट वर्म, उसमें कैसा होता है? लैडर लाइक, लैडर बनी हुई है ना, सीढ़ी बनी हुई है ऐसा है ना।
तो ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि लैडर लाइक किसमें होता है, लैडर लाइक किसमें होता है और ये रिंग वाला किसमें होता है। तो रिंग वाला किसमें होता है बच्चों, हमारा स्टार फिश मतलब एकिनोडर्मेटा के अंदर। ठीक, सो द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है किंग के अंदर क्या होता है, वॉटर वैस्कुलर सिस्टम। वॉटर वैस्कुलर मतलब वॉटर आएगा बॉडी के बाहर से और हेल्प करता है इसकी, विच हेल्प्स इन किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन मतलब चलने में, कैप्चर ऑफ फूड में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, मतलब हर एक काम में इनका वॉटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। क्या होता है भी देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता क्योंकि जो भी काम हो रहा है थ्रू वॉटर हो रहा है भाई, बॉडी से बाहर से पानी आया, फूड लेके आया, जब वो पानी बाहर जाएगा तो साथ में वेस्ट भी ले जाएगा, तो इनके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की नीड है ही नहीं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रहना चाहिए कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब क्या होंगे, लार्वा होंगे। एग्जाम्पल के लिए एस्टेरियाज मतलब स्टारफिश, अभी हम देखेंगे स्टारफिश क्या होती है। एकाइनस मतलब हमारा सी अर्चिन, हमारा एंटीडोन सी लिली, क्यूकुमेरिया सी क्यूकुम्बर एंड ऑफियूरा बिटल स्टार, है ना। चलो फटाफट से आगे देखते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टारफिश है, ठीक है, ये हमारा स्टारफिश है, ठीक है, ये इसकी बॉडी में आप देखोगे तो ऐसे चैनल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। एक होता है कनाल सिस्टम, वो किसमें था, वो था हमारा पोरीफेर के अंदर, उनकी बॉडी में क्या होती है कनाल्स होती हैं, ऐसी बाहर से पानी आएगा और ऐसे निकल जाएगा, वो था कनाल सिस्टम। कनाल सिस्टम वो किसमें होता था, पोरीफेरा के अंदर। यहाँ पे क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जैसे हमारी ब्लड के अंदर हमारी वेसल में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे इनकी बॉडी में ट्यूब्स हैं जहां पे पानी फ्लो करेगा, सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, है ना। अब ये इसकी बॉडी का एनस है, एनस कहाँ पे है, बॉडी के अपर साइड, डॉर्सल साइड, तो एनस कहाँ है इसका, डॉर्सल साइड में मतलब अपर साइड में, ठीक है, और जो माउथ है वो इसके नीचे, मतलब ऐसे स्टारफिश है ऊपर है डॉर्सल, तो जो उसका एनस है वो ऊपर है और नीचे वाले साइड को बोलते हैं वेंट्रल, तो उसका जो माउथ है वो किधर है, वेंट्रल पे, तो ये ऐसे रहता है, है ना, तो ऊपर रहेगा इसका एनस और नीचे रहेगा इसका माउथ, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है, ऐसे दिखता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एक पूरा सिस्टम जिसके अंदर पानी फ्लो करेगा, और इसमें क्या होते हैं ट्यूब फीट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ट्यूब फीट्स होते हैं जो इसके लोकोमोशन में, न्यूट्रिशन सब में हेल्प करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे अपने एस्टेरियास, है ना, स्टारफिश, ऑफियूरा, है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा इसका, 30 सेकंड लो फटाफट से बताओ उसका आंसर। क्या आंसर होगा बेटा इसका, बी, है ना, सिंपल है। देखो ये अपना क्या है, अपने को क्या पता है इसमें से, अपने को पता है प्लेन एरिया, वो क्या होता है अपना फ्लैटवर्म होता है, फ्लैटवर्म ये रहा, तो 4 का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अपने को पता है पिंक डाटा क्या होता है, जिससे पर्ल मिलता है, पर्ल क्या होता है, वो ऑयस्टर होता है। 3 क्या हो गया, 3 का अपना 1 हो गया। अब देखो एक ही ऑप्शन जिसमें 3 का 1 है ना, तो काम खत्म, सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 ऑप्शन में हमने आंसर को सॉल्व कर लिया, है ना, सारे पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो बेटा आंसर क्या होगा इसका, बी, है ना, आंसर क्या होगा इसका, बी, ठीक है। चलो
सबसे एंड में हमारा आता है बेटा फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा क्या था पहले, इसको हम कॉर्डेटा के अंदर कंसिडर करते थे। इसमें कुछ फीचर होते हैं जो मिलते हैं कॉर्डेटा से, कुछ फीचर होते हैं जो मिलते हैं नॉन कॉर्डेटा से, पर हमने इसको अब अलग से फाइलम बना दिया है, है ना। तो जो मोलस्क है वो एक फाइलम है, उसके बाद आता है हमारा हेमीकॉर्डेटा एक फाइलम है, और फिर हमारा कॉर्डेटा एक पूरा फाइलम है, है ना। सो अब ये किसमें आता है, इट कम्स अंडर नॉन कॉर्डेट्स, है ना, नॉन कॉर्डेट्स, और एक सेपरेट फाइलम है पूरा, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स है। अब इसके अंदर क्या खास बात रखनी याद अपने को, इसके अंदर होता है स्टोमोकोड, नोटोकोड नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, स्टोमोकोड विच इज सिमिलर टू नोटोकोड, ठीक है। अगर नोटोकोड होता तो क्या बोलते हैं इसको, कॉर्डेटा, इसमें नोटोकोड नहीं होता, इसमें क्या होता है हमारा स्टोमोकोड, और कहाँ पे होता है, कॉलर रीजन में। अब भी हम डायग्राम देखेंगे इसका, कॉलर रीजन क्या होता है। सो कॉलर रीजन में क्या होता है इसका, स्टोमोकोड। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्म्स लाइक बॉडी होता है इनका, मराइन मतलब समुद्र के पानी में मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम रहेगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल रहेगा, ट्रिपल ब्लास्टिक रहेगा, है ना, सिलोमेट रहेंगे, सब पता है अपने को। बॉडी क्या रहेगी, सिलेंड्रिकल रहेगी, है ना, लंबी सी बॉडी रहेगी, तीन पार्ट होंगे उसमें, प्रोबोसिस होगा, कॉलर होगा और ट्रंक होगा, ठीक है, प्रोबोसिस होगा, कॉलर होगा और ट्रंक होगा। कॉलर में क्या होगा अपना, स्टोमोकोड होगा, ठीक है। सर्कुलेशन सिस्टम क्या होगा, ओपन टाइप, मतलब जो ब्लड होगा, ब्लड क्या होगा, वेसल के बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल से होगा, क्योंकि पानी के अंदर है, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है यहाँ पे, प्रोबोसिस ग्लैंड, कहाँ पे होगी, प्रोबोसिस के अंदर, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड की काम करती है, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। सेक्सिस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, ये सब कहानी है। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इसके भाई, एग्जाम्पल को याद करने का तरीका सिंपल सा है, देखो दो में तोड़ दो, दोनों में सेम क्या, ग्लोसस। ग्लोसस मतलब क्या होता है बेटा, टंग, टंग। तो जो इनकी शेप होती है, दिस वर्म्स लुक्स लाइक टंग, तो इनको क्या बोलते हैं, टंग वर्म्स। तो इनके एग्जाम्पल में दोनों में क्या है, ग्लोसस। तो जहां पे भी ग्लोसस आया मतलब वो क्या होगा, इट इज हेमीकॉर्डेटा, ठीक है, हेमीकॉर्डेटा। तो दोनों में क्या है, ग्लोसस मतलब टंग। सो दिस वर्म्स आर टंग शेप, ठीक है, दिस वर्म्स आर टंग शेप, दिस वर्म्स आर टंग शेप। देख लेते हैं, है ना, तो देखो कैसे दिखते हैं ये, है ना, ये हमारा क्या है, कॉलर है। कॉलर में क्या होगा हमारा, स्टोमोकोड, स्टोमोकोड, ठीक है, स्टोमोकोड विच इज सिमिलर टू नोटोकोड, है ना। और यहाँ पे हमारा प्रोबोसिस, यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्रोबोसिस ग्लैंड, जो किसमें काम आता है, एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन में, है ना। और जो इनका बॉडी है, क्योंकि फ्लैट होता है, तो इट लुक्स लाइक टंग, जैसे हमारी टंग होती है वैसा दिखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, टंग वर्म्स, दे आर नोन एज टंग वर्म्स। सो दे आर नोन एज बच्चों, टंग वर्म्स, दे आर नोन एज टंग वर्म्स, है ना। ब्लेनोग्लोसस है ना, अगेन आपको खाली ग्लोसस वर्ड याद रखना है, ब्लेनोग्लोसस एंड सेक्लोग्लोसस, है ना, दोनों वर्ड इसमें याद रखने हैं। तीन पार्ट होते हैं इसके अंदर, प्रोबोसिस होता है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होता है, कॉलर, और तीसरा पार्ट क्या होता है अपना, ट्रंक, ठीक है, तीसरा पार्ट क्या होता है अपना, ट्रंक। ठीक है, तो तीन पार्ट थे हमारे, प्रोबोसिस था, कॉलर था, और हमारा क्या था, ट्रंक था। पहली बात तो आपको इसमें रखनी है याद, ये है ना। दूसरा क्या आता, प्रोबोसिस ग्लैंड कहां पे होती है, प्रोबोसिस में, क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ना, क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में याद होने चाहिए। दूसरा, इसमें एग्जांपल याद होने चाहिए, दोनों में क्या है, ग्लोसस है, ब्लेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका अपने पास,
इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर होता है अपना स्टोमोकोड, और कहां पे होता है, कॉलर में, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, स्टोमोकोड होता है। इट इज सिमिलर टू नोटोकोड बट नॉट नोटोकोड। अगर नोटोकोड होता तो ये कॉर्डेटा के अंदर होता, उसमें क्या होता है, स्टोमोकोड होता है। अब डिफरेंस क्या होता है, स्टोमोकोड नोटोकोड में अपने काम का नहीं है, अपने को बस इतना याद रखना है कि हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, स्टोमोकोड होता है, ठीक है। फटाफट से आगे चलेंगे, क्वेश्चन अगर है तो देख लेते हैं इसका। हाँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज, क्या आंसर होगा बदली बताओ। क्या आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो बेटा पूरा। शेयर विद कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में तो नोटोकोड होती है, यहां तो तुम बोल रहे हो एब्सेंस नोटोकोड। ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉर्डेट के साथ शेयर करता है, मतलब सेम फीचर कॉर्डेट्स के अंदर भी होना चाहिए। कॉर्डेट्स में तो नोटोकोड बेटा प्रेजेंट होती है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या है हमारा, बी। इसमें क्या होते हैं, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, जैसे कॉर्डेट्स में होते हैं। जब छोटा बच्चा, जब हम एम्ब्रियो थे, मदर की बॉडी के अंदर थे, तो हमारे अंदर भी क्या थे, गिल स्लिट्स थे। ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बचपन में हम ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्लिट से होते हैं हमारे फेरिंग्स में, जिनको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स, क्योंकि उस टाइम हमारे लंग्स नहीं होते ना डेवलप, तो हम इनके थ्रू करते हैं ब्रीथिंग थोड़ी बहुत जो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स। सो दिस गिल स्लिट्स आर सीन इन बोथ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स बट नॉट सीन इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है पॉइंट ये। लास्ट में हम फटाफट से एक बार देख ले रहे हैं डिफरेंस दोनों के बीच में, डिफरेंस क्या है ना। सबसे पहले कॉर्डेट्स, मतलब नोटोकोड क्या होगी बच्चों, उसके अंदर नोटोकोड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। नॉन कॉर्डेट्स मतलब नोटोकोड्स क्या होगी, एब्सेंट होगी। अभी पढ़ा हमने, सिंपल, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। इसके अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ होता है, डॉर्सल। देखो हमारी बॉडी में हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे, पीछे है, ये हमारा वेंट्रल सरफेस है, पीछे वाला हमारा डॉर्सल है। तो हम क्या, कॉर्डेट्स, हमारी बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम कहाँ पे है, पीछे की तरफ है, तो हमारी बॉडी में कहाँ होगा, डॉर्सल, डॉर्सल। दूसरी बात, होलो होता है, हमारा ब्रेन भी अंदर से खाली होता है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। जैसे हमारा हार्ट में चैम्बर होता है, ऐसे हमारे ब्रेन में चैम्बर होते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या आता है, होलो, अंदर से खाली। और क्या, एक सिंगल नर्वस सिस्टम है, दो नहीं है, एक ब्रेन, उसके नीचे क्या, स्पाइनल कॉर्ड है, तो सिंगल है। तो हमें कैसा है, डॉर्सल, होलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्ड्स में कैसा होता है, वेंट्रल, उसमें आगे की तरफ होता है, वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, जैसे हमने उसमें बताया था प्लेनेरिया के अंदर, अगर आपको याद हो, इन केस ऑफ प्लेनेरिया ऐसे बनाया था ना, लेटर लाइक, ऐसे होते हैं लेटर लाइक, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, डबल होते हैं, डबल होगा, वेंट्रल होगा और सॉलिड होगा, अंदर से होलो नहीं होगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स में क्या होते हैं बच्चों, गिल स्लिट्स। मैंने अभी बताया, जैसे हम जब हम एम्ब्रियो थे तो वी यूज टू टेक ऑक्सीजन या जो भी गैसेस होती हैं थ्रू गिल स्लिट्स, क्योंकि उस टाइम हमारे लंग्स डेवलप नहीं होते। इनमें क्या होते हैं, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल स्लिट्स नहीं होते। हार्ट इज वेंट्रल, अब हमारा जो हार्ट है वो कहाँ है, आगे की तरफ है ना, तो हमारा हार्ट क्या है, वेंट्रल है। इनमें हार्ट अगर होगा तो डॉर्सल होगा, सब में हार्ट भी नहीं होता है ना, इन सब में हार्ट नहीं होता, जो पूरा फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स के, इतने सारे फाइलम है, सब में हार्ट भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो बेटा क्या होगा, वो डॉर्सल होगा, है ना। और हमारे अंदर पोस्ट एनस टेल, मतलब एनस के पीछे टेल, जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, एनस होता है ना, एनस के यहाँ पे एनस होगा, तो इसके पीछे टेल, जैसे कि हमारी काओ, बफेलो, इनमें क्या होता है, एनस के पीछे टेल होती है,
तो वहां पे क्या होता है, पोस्ट एनल ट्रेल प्रेजेंट होती है, और इनमें क्या होता है, पोस्ट एनल ट्रेल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो ये सारे हमारे डिफरेंस होते हैं बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, है ना, रोज पढ़ो, बार बार पढ़ो, तभी बेटा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट, गुड लक, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय बाय। डॉक्टर वरुण साइनिंग ऑफ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।